मैं समझता हूँ कि 80-90% जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास क्लिनिक पे विज़िट करते हैं, दे आर डेस्क वर्कर्स, कि उनका काम है ज़्यादा देर बैठना, कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर उनका सारा दिन का वर्क है, या उनकी डेली रूटीन जो है वो इस तरह से है कि उन्होंने सारा दिन काम करना होता है कंप्यूटर के ऊपर। तो एक ही जगह पे और बैड पोस्चर की वजह से, स्क्रीन का ज़्यादा ऊपर होने से या ज़्यादा नीचे उनको देखने से, इस तरह देखने से या ऊपर देखने से, उनकी गर्दन में के पट्टे जो हैं उनका कट जाना, उसकी वजह से उनको ये शिकायत रहने लग जाती है गर्दन के दर्द की। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली शहवेज़ यूनस है और बाय प्रोफेशन मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं 3 साल से इस शोबे के साथ मुंसलिक हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो एम्फिल बायो मैकेनिक्स में है और मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, लाहौर के हॉस्पिटल्स में काम किया है और इस वक्त मैं रिएक्टिव फिजियो पे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। और जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें हम कायरोप्रैक्टिस करते हैं, एक्यूपंक्चर थेरेपी करते हैं, ड्राई नीडलिंग करते हैं और फिजियोथेरेपी की मदद से पेशेंट्स का या मरीज़ों का, वो मरीज़ जो कि किसी भी किस्म के जिस्मानी दर्द में मुबतला हैं, जैसे कमर का दर्द, कमर का दर्द का टांगों में उतरना यानी शैटिका पेन, फ्रोजन शोल्डर यानी कंधा जाम, गर्दन का दर्द, गर्दन का दर्द का हाथों में आना, हाथों का सुन्न होना, पाँव का सुन्न होना, या जोड़ों घुटनों का दर्द, जोड़ों रिस्ट पेन, एल्बो पेन, इन सब दर्दों का जो इलाज है या जिस्मानी दर्दों का इलाज है बगैर किसी मेडिसिन और बगैर किसी सर्जरी के अपने क्लिनिक पे परफॉर्म करते हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सर्वाइकल पेन या नेक पेन। नेक पेन को आजकल के दौर में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो इसको लाइफस्टाइल डिज़ीज़ कहा जाता है। लाइफस्टाइल डिज़ीज़ इन द सेंस के वो सारे लोग जो कि ऑफिस वर्कर्स हैं या डेस्क वर्कर्स हैं वो इस पेन में या इस दर्द में ज़्यादातर मुबतला हैं। अगर हम स्पेसिफ़िकली सर्वाइकल की बात करें तो ये हमारे वो स्पाइन के मोरे हैं या वो वर्टिब्रास हैं जो C1 से लेके C7 तक हैं और ये हमारी गर्दन या सर्वाइकल रीजन बनाते हैं। इनमें कोई भी मसला आने से या इनमें किसी वजह से जैसे एक्सीडेंट होने से, विप्लैश इंजरी जिसे हम कहते हैं, ज़ोर से किसी चीज़ के साथ हिट करना या सड़ लगना, उसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है। किसी ट्रॉमा की वजह से कि कोई इन्फेक्शन है पेशेंट को, इसके रिलेटेड अगर डिजीज हैं उसकी वजह से पेशेंट को पेन रह सकता है, उसमें गर्दन का प्रॉब्लम उसको हो सकता है। या हमारे मोरों के दरमियान पाई जाने वाली जो डिक्स हैं, अल्लाह ताला ने जो हमारे मवाद रखा है मोरों के दरमियान, अगर उसमें कोई लीकेज आ जाए या स्लिप हो जाए उसकी वजह से भी हमारी गर्दन में दर्द रह सकता है। और वो दर्द अगर वो ज़्यादा देर तक रहेगा या उसमें सवेटी आएगी तो वो दर्द जो है हमारे बाजुओं में आ सकता है, हमारे बाजू हाथ सुन्न हो सकते हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स पेशेंट करता है। ये वो चीज़ें मैंने बताई आपको जो कि एक कंडीशन रिलेटेड या स्पेसिफिक किसी जिसका एटियोलॉजी या जिसकी बैकग्राउंड हमें पता थी। अब मोस्ट कॉमनली जो मैं समझता हूँ कि 80-90% जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास क्लिनिक पे विज़िट करते हैं, दे आर डेस्क वर्कर्स, कि उनका काम है ज़्यादा देर बैठना, कंप्यूटर स्क्रीन्स के ऊपर उनका सारा दिन का वर्क है, या उनकी डेली रूटीन जो हैं वो इस तरह से हैं कि उन्होंने सारा दिन काम करना होता है कंप्यूटर के ऊपर। तो एक ही जगह पे और बैड पोस्चर की वजह से, स्क्रीन का ज़्यादा ऊपर होने से या ज़्यादा नीचे उनको देखने से, इस तरह देखने से या ऊपर देखने से, उनकी गर्दन में के पट्टे जो हैं उनका कट जाना, उसकी वजह से उनको ये शिकायत रहने लग जाती है गर्दन के दर्द की। इसके साथ साथ अगर हम गलत पोस्चर में लेटे हैं, हमारा तकिया ठीक नहीं है, उसकी वजह से गर्दन का दर्द हो सकता है। ये कंडीशंस हैं अगर इनको मस्कुलर स्पैज्म की वजह से पेन जो है, अगर इनको ट्रीट ना करवाया जाए या इनको जैसे क्रॉनिक स्टेज है एक जो कि 3 माह के बाद आती है, उसके पहले आती है सब एक्यूट स्टेज जो कि 4 से 12 हफ्ते दर्द रहने की सूरत में उसको सब एक्यूट स्टेज कहते हैं, और एक एक्यूट स्टेज आती है हमारे पास पेन की या दर्द की किसी भी कंडीशन में, उसमें होता है कि अगर 4 हफ्ते से कम दर्द है किसी पेशेंट को, उस दर्द में मुबतला है, तो उसके साथ उसको एक्यूट स्टेज में, तो जितनी जल्दी इसको ठीक करवाया जाए या इसको डायग्नोज करवाया जाए उतनी ही जल्दी पेशेंट जो है वो बेहतरी की तरफ चला जाता है और उसमें उसको जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सेकंड, इसकी जो कॉज हो सकती है वर्किंग मूवमेंट्स या वो मूवमेंट्स जो एनजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हैं, हर किस्म का लोग इंसान जिस जो किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या टेंशन का उनको सामना है,
उनको दर्द ये रह सकता है क्योंकि ये हमारे ट्रेपेजियस मसल्स जो हैं, ये मसल्स, इन्हें टेंशन मसल्स भी कहा जाता है। सबसे पहले अगर कोई भी इंजरी होगी, कोई भी किसी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे तो ये मसल्स जो हैं सबसे पहले अकड़ेंगे, और इनके स्पैज्म की वजह से, इनके अकड़ने की वजह से, इनमें खिंचाव पैदा होने की वजह से आपको जो है वो गर्दन में भी दर्द रह सकता है, और उसकी वजह से आपके सर में भी दर्द हो सकता है, यानी वो पेन रेडिएट कर सकता है, सर में जा सकता है, आपके शोल्डर या लोअर अपर बैक जो रीजन है आपका, शोल्डर्स की साइड पे, स्कैपुलर रीजन पे, वहाँ पे आपको ये पेन जो है वो फील हो सकता है। तो इस पेन, इसकी एक और वजह जो है उसमें ट्रिगर पॉइंट्स मान जाते हैं पेशेंट को, ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से या ऐसे पॉइंट्स मान जाते हैं हमारे सर्वाइकल रीजन में या नेक के रीजन में, जिसकी वजह से पेन जो है पेशेंट को रह सकता है। इन सब चीज़ों को जितनी जल्दी ठीक करवाया जाए, जितनी जल्दी इसका इलाज करवाया जाए, उतना ही जल्दी ही पेशेंट को आराम जो है वो आ जाता है, और इन सब कंडीशन से वो बच सकता है। इसी के रिलेटेड जो इलाज है फिजियोथेरेपी की मदद से, कायरोप्रैक्टिस की मदद से, और ड्राई नीडलिंग या एक्यूपंक्चर थेरेपी की मदद से इस पेन को बहुत जल्द सेटल किया जा सकता है, और ये पेन यंग पेशेंट जो हैं उनमें बहुत जल्दी उनको आराम आ जाता है। जितना जितना ये पेन पुराना होता जाएगा या पेशेंट की एज ज़्यादा है तो उसमें इस पेन को टैकल करने में या इस पेन से छुटकारा हासिल करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है उसमें। तो अगर आप भी किसी किस्म के जिस्मानी दर्द में मुब्तला हैं, या आपको जोड़ों पट्ठों कमर का दर्द, शैटिका का दर्द है, कमर से जो टांगों में आपका दर्द आता है, हाथ पांव सुन्न होना, या आपका कंधा जाम है, इस तरह के किसी भी मसले मसाइल में अगर हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं marham.pk से, और आप मेरी सर्विसेज जो हैं वो ले सकते हैं। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।